और मैंने जैसे आपको बताया था कि अब मैं आपको कमांड सिखाने वाली हूं तो आज मैं आपको कमांड बताऊंगी कि आप अपने डॉग को कैसे कमांड दे सकते हैं आपको ऐसे उसको कम को कम सिटियर सिट कम कमोन सिटीयर आपको ट्रीट दिखानी है और उसको सिट सिट ओके okay. तो कोको थोड़ी देर वेट कर लेता है पर कोको बहुत ही पेशेंस नहीं रख पाता कई बार क्योंकि कोको को ट्रीट खाने का बहुत ज्यादा मन रहता है इसलिए कोको अच्छे से नहीं फॉलो करता करता है फॉलो पर अभी उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है क्यूमी हैंड जब आप उसे ग्यूमी हैंड बोलेंगे ना गाइस तो आपको उसको हाथ मांगना है और फिर आपको एक ट्रीट खिला देनी है इस तरीके से।, से और इसको गुड बॉय ऐसे करना है तो आप ऐसे करेंगे तो उसको समझ जाएगा कि ऐसे हाथ देने से उसको ट्रीट मिलती है अगर आपको उसको सेकिंग कमांड सिखानी है जैसे कि हाई फाई सिखाना हुआ हाई फाई गिव मी हाई सो so, ऐसे को, -को हाई फाई कर देता है उसके बाद आपको फिर से सिट 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 वेट तो आपको उसको फिर से एक बार आपको उसको ट्रीट देनी है यहां पे मैंने पेडिग्री की ट्रीट यूज की है आपको अगर कोई और ट्रीट्स पसंद है आपके डॉग को वो भी आप यूज कर सकते हैं पर मेरे मैं ये ऐसा कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा अलग ट्रीट एक अलग रख दे कमांड्स के लिए जो कि उसको बहुत अच्छा लगे अब कोको की बात है कोको को सारे ट्रीट पसंद आते हैं है इसको ऐसा नहीं है कि ये ट्रीट ही ज्यादा पसंद है उसको सारे ट्रीट पसंद है तो मैं यहाँ पे ये यह पेडग्री का यूज कर रही हूँ इसको मैंने थोड़े टुकड़ों में काट लिया है बीच में से ताकि ज़्यादा ट्रीट भी ना जाए उसके पेट में और उसको लूज मोशन हो सकते हैं ऐसे ट्रीट ज़्यादा देने से इसलिए आप टॉयब्रिड को ज़्यादा ट्रीट्स ना दें थोड़े थोड़े मैक्सिमम चार पाँच ट्रीट्स दे सकते हैं मीन्स ये बोन्स रहते हैं अब हम नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं तो अभी मैंने कोको -को, को और सिखाया है जो कि है ऐसे खड़े रह के हाई फाई हाई फाई और स्टैंड भी इसमें ही आता है अगर आपको स्टैंड भी सिखाना है तो आपको इसे सिखाना पड़ेगा स्टैंड कोको कम या कम स्टैंड uh, और सीट का जो है ना आपको ऐसा जब डॉग खड़ा रहता है ना तब तो उसको उसकी जो ये बैक बोन रहती है ना उससे आपको पुश करना है पीछे के साइड मीन्स उसके जो ये कमर का हिस्सा रहता है ना उसको पुश करना है तो उससे वो बैठ जाएगा और फिर उसको ट्रीट खिलाए गुड बॉय को को सीट ओके तो आप ऐसे ट्रीट खिला दे और उसको इससे प्यार कर ले ये जो हिस्सा रहता है ना उसको थोड़ा सा प्रेशराइज करना है और नीचे बैठाना है उसको तो उससे उसको ये पता चलेगा हाँ नीचे बैठने से हमें ट्रीट मिलती है तो वो नीचे बैठेगा तो कोको -को, को ये सारी कमांड्स आती है गाइज और उसको और एक आती है ले डाउन रोल ले डाउन और रोल भी वो कर लेता है और उसको फिर ट्रीट देके मैं उसे प्यार करती हूँ बहुत सारा तो वो हैप्पी हो जाता है गाइज तो ये सारी जो है कोको -को, को आती है कमांड्स फॉलो करना और मुझे अभी और सिखाना है उसे बहुत कुछ लीव की कमांड भी सिखानी है मैंने अभी तक तो उसको नहीं सिखाया है लीव क लीव की कमांड और बाकी भी बहुत सारे कमांड्स है जो मैंने उसे नहीं सिखाया है गाइस तो मैं उसे सिखाने वाली हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगी और आप जो है कुछ इस तरीके का जो गैस पाइप आता है ना इससे मैं आपको रिंग बना के दिखाऊंगी इसको इसे सर्कल से ज्वाइन कर ले बीच में से जैसे कि मैंने अभी किया है और मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट भी करने वाली हूँ इसका शेप थोड़ा ख़राब हो चुका है गाइस ये पहले क्रीम की शेप में था और इसको डेकोरेट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसमें से आपको जंप जो है ना जंप कमांड वो सिखा सकते हैं कोको मार लेता है जंप पर फिलहाल नहीं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी जंप की कमांड जब मैं इसको डेकोरेट कर लूँगी तो आप भी अपने घर पे ऐसे सर्कल वाला पाइप रेडी कर सकते हैं अपने गैस पाइप के थ्रू या फिर आप जो आपका वॉशरूम में भी पाइप रहता है जो पानी प्लांट्स को डालने में काम आता है उसको भी आप ज्वाइन करके ऐसी रिंग बना सकते हैं या फिर आप रिंग खरीद के भी ला सकते हैं तो वो भी अच्छा ऑप्शन रहेगा पर मैंने सोचा इस इसमें से ही जम कमांड सिखा दूँ अभी नया रिंग लाने से अच्छा है इस इसमें से भी अगर अपना काम हो रहा है तो क्योंकि वैसे भी रिंग्स महंगे आते हैं तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है कि आप सिखा सकते हैं इस पर से भी थैंक यू गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो बाय